केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम दुनिया के लिए एक संदेश है कि भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान निर्माताओं की दृष्टि के अनुसार भारत के विकास, समृद्धि और सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट है। श्री शाह तिरंगा डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर आज नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित तिरंगा उत्सव को संबोधित कर रहे थे। श्री अमित शाह ने सभी से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा कार्यक्रम में भाग लेकर अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की। कि आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है और आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मोदी जी ने निर्धारित किया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष को रंगे चंग के साथ मनाया जाए और मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोगों को ये अपील करने आया हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर तिरंगा का एक कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। श्री शाह ने कहा कि ये वही तिरंगा है जिस पर देश का सैनिक शपथ लेता है और सीमा पर बहादुरी से लड़ता हुआ देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देता है। मोदी जी ने यहाँ पर एक कार्यक्रम दिया है, हर घर तिरंगा का कार्यक्रम। आज उन्होंने आह्वान किया है कि हर भारतीय नागरिक ने अपनी डीपी पर तिरंगे का चिन्ह लगाना। अपना चेहरा चमकाने के तो बहुत सारे दिन है मित्रों, आजादी का अमृत महोत्सव तिरंगा चमकाने का दिन है। मैं देश के सभी लोगों को अपील करना चाहता हूं कि अपने डीपी का परिचय बदल दीजिए, ये महान तिरंगे को वहां पर रख दीजिए, लाखों लाखों स्वतंत्र सेनानी और हमारे फौज के जवानों ने जो आहुति दी है उसको श्रद्धांजलि देने के लिए इससे बड़ा कोई अवसर नहीं मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि ये वही तिरंगा है जिसे देखकर देश के करोड़ों किसान दुनिया का पेट भरने के लिए मेहनत करते हैं। मुख्यमंत्री